बड़ा सियाना सी, उसने देखा कि बंदे आके उत्थे हिसाब पुछदे पए ने, उसने सवेरे 10:15 की एंट्री पाती। तुसीं इह दस दिओ सवेरे, बाकी छड्ड दिओ गल, सवेरे 63,81,000 रुपया किहड़े बैंक च गया है, उहदी रसीद दिखाओ सानू। इंदरपुरी च फौज की जमीन ते कब्जा किया होया, जिहदे ते फौजदारी दे मुकदमे इन्हां दे ते इन्हां दे पिता ते चलदे पए ने। लानत 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 बोलते रहे सानू जी आया नू। तुसी आखदे हो कि पुलिस असी बुलाई, मैं पूछना चाहना कि 100 नंबर की कॉल सुखविंदर सिंह बब्बर करता है जिहड़ा तुहाडा मैंबर है जितया होया, 100 नंबर की कॉल सुखविंदर बब्बर करके पुलिस बुलांदा है और तुसी आखदे हो कि पुलिस असी लैके आए हैं। सरसा साहब, तुसी सरकार की चापलूसी करके 9 गनमैन दिल्ली पुलिस ने दिते, तुहानू 12 गनमैन तुहानू सुखबीर ते मजीठिए ने दिते सी पंजाब पुलिस दे, 2 जिप्सियां तुहाडे अगे पिछे घूमदियां सी, उह जिहड़ी पुलिस तुहाडे नाल 25 घूमदे सी पुलिस वाले नाल तुहाडे बाउंसर, उह जोड़े उतार के आंदे सीगे दफ्तर दे विच। सर जसबीर सिंह सिरसा 3 साल सजा याफ्ता ने, 3 साल की कैद होई है उन्हां नू, क्यों? एक स्वतंत्रता सेनानी दे, स्वतंत्रता सेनानी दे मकान दे गलत कागज बना के उस मकान दे हथियार दी तुहाडे उत्ते FIR, तुहाडे ते जद्दी पुष्टि काम है कब्जियां दा। कारनामों का नतीजा कि यहां से कैश निकाल निकाल के इलेक्शनों में लड़ते रहे हैं, बादलों को भेजते रहे हैं और अपने उसको खर्चे डाल के पूरे करते रहे हैं। एक सीनियर जर्नलिस्ट बैठा है, उसने कहा जी आपके यहाँ घपले की जो कार्रवाई है उसका सवाल पूछा, सरसा कहता लफज वापस लो, आपने घपला कैसे कर दिया, यहाँ सेवा होती है। और सरसा जी का एक मेंबर नवा जितया उत्थे जाके धौणो फड़न लगा, गर्दन नू हथ पाण लगा वह सीनियर जर्नलिस्ट की। और मैं अफसोस है जेडे बाकी जर्नलिस्ट बैठे से क्यों नहीं बोले कि कई मैंबर साहबान जेडे पुरानी कमेटी के मैंबर से, एग्जैक्टिव के मैंबर से, कुलवंत सिंह बाठ होना चौहदेदार सीगे, परमजीत सिंह राणा, हरिंदरपाल सिंह और मैं समझदा वा जतिंदर सिंह साणी जेडे एग्जैक्टिव के मैंबर सीगे, ये नवे मैंबर दे नाल गए और इन्हां कोल इनफॉर्मेशन सीगा कि उत्थे पैसा शॉर्ट है, कैश शॉर्ट है। और जदों उत्थे गए कैश चैक करन वास्ते खजाने दे विच्चों, ते जो कुछ उत्थे होया उहदा तुसी आप देखिया। और जिवें मैं कहा सी शनिवार नू प्रेस अपने बाइट दे विच कि अज शनिवार नू इत्थे कैश शॉर्ट है, ना प्रधान आ रहा है ना सकत्तर आ रहा है, लेकिन सोमवार नू एक वड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे और उहदे च आखणगे देखो साडा कैश पूरा, असी पूरा हिसाब ला के रखिया होया, इन्हां ने आके इत्थे जो कीता वो तुहाडे सामने है। हुण मैं कल जिहड़ी इन्हां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो झूठ बोलिया, झूठ जमा झूठ जमा झूठ दी इन्हां ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो मैं एक एक करके इन्हां दा मैं जवाब देना चाहना वा। जवाब यह है कि इन्होंने आख्या कि साडा कैश मैच हो गया, उत्थे टोटल कैश जिहड़ा हैगा सी 1,02,00,000 रुपया सी, जिहदे विचों 66,00,000 रुपया इन्हां ने गिणवाया, जिहदे विच 38,00,000 रुपए के पुराने नोट सन। लेकिन सवेरे 10:15 एक एंट्री पाई हुई सी इन्हां ने, क्योंकि ये 11:15 पहुंचे सी, कैशियर आखदा कि सवेरे 10:15 63,00,000 रुपया 63,81,000, 2 एंट्रियां सी 48,74,000 दी और 15,07,000 दी, ये 2 एंट्रियां ने दिखाईयां कि ये कैश सवेरे असी भेजिया है। जदों ये मैंबर सभा ने पूछा जी ये कैश तुसी जिहड़ा भेजिया है उहदी कोई CCTV फुटेज दिखाओ स्ट्रोंग रूम दे विच्चों, क्योंकि तुसी जेब च पा के तो नहीं कढ सकदे 63,81,000 रुपया, तुसी बैग लैके गए होगे। वह CCTV फुटेज जदों मंगी उदों इन्हां नूं हत्था पैरां दी पै गई। उहदे बाद इन्हां ने कहा चलो अच्छा CCTV फुटेज नहीं है, सानूं इह दस्सिया जावे इह कैश गया कित्थे है। वह आखदे ने इह सारी गल ऑन रिकॉर्ड कह रहा मैं, ये आखते ने जी कैश असी बैंक भेजिया। मैंबर सभा जिहड़े गए सी उन्होंने GM नूं आख्या
ਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਫੋਨ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਲਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਲਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਖੁਲਵਾਇਆ ਅਕਾਊਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਕੈਸ਼ ਗਿਆ, ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਪੀਐਨ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਜ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਟਰਡੇ ਕੋ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਇਸਸੇ ਬੜਾ ਝੂਠ ਔਰ ਕਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ 63 ਲੱਖ ਕੀ ਐਂਟਰੀ ਡਾਲੀ, 1 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਕੋ ਮੈਚ ਕਰਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਔਰ ਉਸਕੋ ਨਿਕਲਾ ਹੁਆ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਹਮਨੇ ਬੈਂਕ ਭੇਜਾ, ਬੈਂਕ ਵੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਔਰ ਬੈਂਕ ਜੋ ਥੇ ਵੋ ਬੰਦ ਥੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਾ कि हमारा कैश तो पूरा था, देखो ये वोचर देखो, 5 लाख का ये है, 10 लाख का ये है, सोमवार को तो आपने सब कुछ मैनेज कर लेना था, आप चाहे सुखबीर बादल के घर से कैश लेके आओ या जहां आप कब्जे करते हो वहां से कैश ला के गोलक में ला के रख दो वहां पे लॉक रूम में, वो तो पूरा हो जाना था। लेकिन जिस दिन आपने ये बोला कि 2 घंटे में चले गए, शाम के 7 बजे तक ये मेंबर सबान के साथ 50 लोग संगत के वहां मौजूद थे, वहां पे ना कालका जी आए जो दिल्ली में थे, वो अपने आप को बाहर क्लेम कर रहे हैं, और सरसा जी जो मिनट मिनट में लाइव हो जाते हैं वो सोमवार तक बिल्कुल लाइव नहीं हुए, कुछ नहीं बोला। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 2019 में डेलॉयट से इन्होंने अपनी वो कराई थी ऑडिट, फोरेंसिक ऑडिट कराई थी, आज तक उसको नहीं पेश किया, क्योंकि डेलॉयट ने भी लिखा है कि कैश में जब हमने आके चेक किया 40 लाख रुपया शॉर्ट था, वो 39 है कि 41 है मैं नहीं कह सकता, वो कराई तो थी 25 लाख दे के कि मंजीत को मरवा दे कहीं ना कहीं, लेकिन फंस खुद गई है। उसके बाद सरना साहब 2020 में अपने मेंबर लेके ऑफिस में जाते हैं कि खजाना चेक कराओ, खजाने के अंदर कैश शॉर्ट है, ये 2019 में डेलॉयट ने किया, 2020 में सरना साहब जाते हैं, ये वहां से सेक्रेटरी साहब प्रधान साहब ऑफिस छोड़ के भाग जाते हैं, अकाउंट्स वालों को और कैशियर को भगा देते हैं, उस दिन भी अकाउंट नहीं देते, और आज फिर जो शनिवार को हुआ वो आपके सामने है कि ये इनके कारनामों का नतीजा कि यहां से कैश निकाल निकाल के इलेक्शनों में लड़ते रहे हैं, बादलों को भेजते रहे हैं और अपने उसको खर्चे डाल के पूरे करते रहे हैं, लेकिन परसों ये रंगे हाथों पकड़े गए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरसा साहब ने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें राणा जी, बाढ़ साहब, रिंदरपाल सब थे कि 10 लाख से ऊपर कभी कैश हम लॉक रूम में नहीं रखेंगे, लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर नहीं रखोगे, 1 करोड़ 2 लाख रुपए आपने कैसा रखा हुआ था, और उसके बाद पिछले 2 सालों से इन्होंने कोई एग्जेक्टिव मीटिंग नहीं की, यही मेंबर इनसे मिनट्स मांग रहे हैं जो 2 साल पहले एग्जेक्टिव मीटिंग्स हुई हैं, उसके मिनट्स भी नहीं दे रहे, और इसलिए एग्जेक्टिव मीटिंग नहीं करी कि अगर एग्जेक्टिव मीटिंग करेंगे तो हमारे भांडे फूटेंगे, हमें सवाल पूछे जाएंगे। अगली बात आ जाती है 38 लाख, 38 लाख 50 हजार के करीब पुरानी नकदी जो इन्होंने दिखाई, और उसमें ये बोलते हैं कि ये मनजीत सिंह के वक्त की है। नोटबंदी जब हुई थी उस वक्त मैं प्रधान था, सरसा साहब जनरल सेक्रेटरी थे, काफी गोलकों में पैसा आया, जिस डेट तक पैसा बैंक ले रहा था हम देते चले गए, उसके बाद जो पैसा आया लोगों का जो बेकार हुआ, कईयों ने आके गोलकों में डाला और वो पैसा जो था नहीं यूज हो सकता था, और उसकी 2017 में आरबीआई को चिट्ठी लिखी गई और फाइनेंस मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी गई कि हमारे को पैसा बदल के दिया जाए, हमारे पास रिकॉर्ड में इतना पैसा पड़ा है। और सरसा साहब ने ही कल एग्जेक्टिव मीटिंग की डेट दी, नोट करिए, 16/2/18 को सरसा साहब कहते जी देखो एग्जेक्टिव मीटिंग हुई है, ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਤਾ ਹੂੰ ਨਾ, ਆਧਾ ਸੱਚ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਤੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਆਪ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪ ਕਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਹੈਡ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਤੇ ਹੈ,
जनरल सैकटरी कॉल करता मीटिंग नू, जनरल सैकटरी ने मीटिंग कॉल की तुहाडे अपने मैंबर और तुसी विच मौजूद सीगे और इस मीटिंग च फैसला लिया सी क्योंकि असी आर बी आई नाल लड़ाई लड़ते पए हाँ ते ए नोट असी बदलवाण दे विच जे कामयाब हो गए गुरु घर की माया नू असी खराब ना जान दईए असी इस नू चेंज करावांगे। मैं सरसा साहब नू अज एक सवाल पूछना चाहना, फिर दोबारा डेट बोलदा 16/2/2018 मैं तो रिजाइन दे के आ गया। सरसा साहब 16 तो लैके अज 21 आ गया, तुसीं की कीता इन्हां नोटां वास्ते? तुसीं बीजेपी दे नाल गठबंधन च सीगे, सानू कह रहे ना सरकार दी, मैं उस दे बाद चाहना, तुसीं बीजेपी दे एमएलए सी उस वेले, बीजेपी दी सरकार सेंटर च सीगी, तुहाडे जनरल सैकटरी साहब हरमीत सिंह कालका दी सदारनी साहिबा कौंसलर ने, तुसीं बीजेपी दे नाल गठबंधन सी, तुहाडी लड़ाई ते 17 सितंबर 2020 हुंदी है बीजेपी नाल, लेकिन तुसीं उदों अपने कोटे परमिट लसेंस अपनी टिकटां लई उहनां दीआं मिंतां उहनां दे तलवे चटदे रहे बीजेपी दे प्रधानां दे ते बीजेपी दे सकत्तरां दे गल च पटे पा के उहनां दे तुसीं राम मंदर ते हराम मंदर करदे रहे, लेकिन तुसीं गुरु दी गोलक दा जिहड़ा पैसा ये तुसीं बचा सकदे सी जे सरकार च अपना इनफलूएंस बचते वरतदे, तुसीं अपना इनफलूएंस अपने अहुदे लैण लई अपनी वोटियां दी टिकटां लैण वास्ते वरत्या। मैं समझदा अगली गल मैं एक एक पॉइंट का जवाब देना चाहना, ये आखते ने कि सरना साहब मनजीत सिंह जीके ते होर मैंबर ये गुंडे लैके और फिर लानत 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 बोलते रहे सानू जी आया नू साडे सिर अखां ते, तुसी जिन्ना प्रसाद देना होर दिओ ना, तुसी अपनी जुबान ते लगाम क्यों लांदे होर दिओ, लेकिन मैं पुछना चाहना वा तुसी आखते हो कि पुलिस असी बुलाई, मैं पूछना चाहना कि 100 नंबर की कॉल सुखविंदर सिंह बब्बर करता है जिहड़ा तुहाडा मैंबर है जितया होया, तुसी 100 नंबर की कॉल सुखविंदर बब्बर करके पुलिस बुलांदा है और तुसी आखदे हो कि पुलिस असी लैके आए हाँ, तुसी सीसीटीवी फुटेज दिखाते हो जिहड़ी तुसी छुपा रहे हो वह क्यों नहीं दिखाते कि तुहाडे बंदे की कर रहे सीगे? मैं ये समझदा वा सरसा साहब नूं मेरा सवाल है, फिर कहिंदे ने कि जी जिहड़ी पुलिस लैके आई वो जुत्ते लैके आ गई, हुण दफ्तर दे विच सरसा साहब जुत्ते उतार के जांदे आ, उहनां नूं जिहड़े मिलण आंदे ने जुत्ते उतार के जांदे ने, सरसा साहब तुसीं सरकार दी चापलूसी करके 9 गनमैन दिल्ली पुलिस ने दित्ते तुहानूं, 12 गनमैन तुहानूं सुखबीर ते मजीठिया ने दित्ते सी पंजाब पुलिस दे, 2 जिप्सियां तुहाडे अगे पिछे घूमदियां सी, उह जिहड़ी पुलिस तुहाडे नाल 25 घूमदे सी पुलिस वाले नाल तुहाडे बाउंसर, उह जोड़े उतार के आंदे सीगे दफ्तर दे विच, उह जुत्तियां उतार के दफ्तर च आंदे सी, जिहड़ी तुहाडे नाल 25 बंदिआं दी फौज पुलिस दी घूमदी हुंदी सीगी और उही जिप्सियां दे नाल तुसीं कब्जे कीते, उही जिप्सियां दिखा दिखा के एक बरसाती तो अज अपने आप नूं 1000 करोड़ का बंदा कहते हो, तुसी ना तो किसी विडो की तुसी प्रॉपर्टी छड़ी हथियाण दे विच अंगूठे लवा के बंदूकां दिखा के सिक्योरिटी दिखा के तुसी कब्जे किए, तुसी जिहड़े दिमागी तौर पर पंजाबी बाग दे विच जिन्हां दा संतुलन बिगड़िया सी बेचारियां दा उन्हां दी प्रॉपर्टी दे उत्ते कब्जे कीते, तुसी कह रहे हो ना कि असीं पुलिस लैके कब्जा करन आ रहे सी, मैं हुण कब्जे दी डेफिनेशन दे रहा सरसा साहब तुहाडी, तुसी विडोज़ दे मैंटली इल दे होर गल छड्डो, तुहाडे पिता सार जसबीर सिंह सिरसा 3 साल सज़ा याफ्ता ने, 3 साल की कैद होई है उन्हां नूं, क्यों? एक स्वतंत्रता सैनानी दे स्वतंत्रता सैनानी दे मकान दे गलत कागज़ बना के उस मकान दे हथियार दी तुहाडे उत्ते FIR, तुहाडे ते जद्दी पुश्ती काम है कब्जियां दा, ये भी छड्ड दिओ, ऑन रिकॉर्ड है, मैनूं ते सार गुलनार सिंह दा मैं धन्नवाद करदा, उहदी कोई शायद रिश्तेदारी लगदी है सार गुलनार सिंह कालों, उन्हां ने मैनूं इह सारी डिटेल दित्ती है, उह कहिंदे इंदरपुरी दे विच फौज दी जमीन है, इंदरपुरी च फौज की जमीन पर कब्जा किया होया जिहदे ते फौजदारी के मुकदमे इन्हां दे ते इन्हां दे पिता ते चलते पए ने। महाराज जी ये कब्जे करन वाली जिहड़ी ट्रेनिंग है ना ये पिता पुरखी तुहाडे कोल है,
ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਐਸ ਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਂਗਾ ਰੱਖਿਆ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਟੇ ਭੰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਂਗਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਖਿਲਾਰਤੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਟਾ ਲਟਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਜੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾੜੇ ਵੀ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਸਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੈਠਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਕੇ ਯਹਾਂ ਘਪਲੇ ਕੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਰਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਫਜ਼ ਵਾਪਸ ਲਓ ਆਪਨੇ ਘਪਲਾ ਕੈਸੇ ਕਰ ਦਿਆ ਯਹਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਸਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨਵਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੌਣੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੈਡਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਪਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿੰਮਤ ਜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ 3 FIRਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ 3 FIRਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ LOC ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ 600 ਵੋਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 30-30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅੱਜ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕਿ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਜਾਣ ਝੂਠੀ ਮੀਟਿੰਗ SGPC ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 25 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ ਅਗਸਤ ਨੂੰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜਤੀ SGPC ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 5-5 ਵਾਲਾ 6-6 ਲੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ 8 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ 63 ਲੱਖ ਔਰ 81,000 ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਇਬ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਸਨੇ ਸਵੇਰੇ 10:15 ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ 63,81,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾ ਜਮਾਂ ਝੂਠ ਝੂਠ ਔਰ ਝੂਠ ਹੋ ਤੁਸੀਂ